पृथ्वीराज चौहान के बाल रूप को छोटे पर्दे पर साकार करने वाले रजत टोकस आजकल अपने नए सीरियल धर्मवीर की शूटिंग कर रहे हैं बड़ौदा में और उसी के लिए वो व्यस्त हैं। लेकिन हाल ही में एक हादसा हुआ जिसमें वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आइए देखते हैं कैसे हुआ ये हादसा। पृथ्वीराज चौहान में अच्छे अच्छों को धूल चटाने वाला वीर योद्धा रजत टोकस आजकल आराम फरमा रहा है। नहीं नहीं, जल्द ही एक नए सीरियल धर्मवीर में दिखाई देने वाले रजत टोकस शूटिंग से छुट्टियां लेकर घर पर आराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रजत के लिए ये आराम बन गया है एक मजबूरी। दरअसल वडोदरा के सागर सिटी में धर्मवीर की शूटिंग के दौरान रजत टोकस हो गए एक हादसे के शिकार और अब बिस्तर पर लेटे रहना बन गई है उनकी मजबूरी। 13 जनवरी को सुबह 11 बजे रोजाना की तरह रजत टोकस अपने नए सीरियल धर्मवीर की शूटिंग कर रहे थे। स्टंटमैन के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान रजत की पीठ पर गहरी चोट आई और वो दर्द से कराह उठे। स्टंटमैन की गलती का खामियाजा रजत को भुगतना पड़ा और उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी। रजत को फौरन वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टर्स उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आइए रजत से ही जानते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा वाक्या। ये जो चोट लगी है किसी एक्शन की वजह से नहीं लगी है, ना ही मेरी कोई गलती की वजह से लगी है। ये सामने वाले की गलती की वजह से लगी है। कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे को चल के आगे बढ़ना था और फाइटर को मारना था। तो अपनी एक्टिंग लाइन में कभी मारना मतलब एक्शन का पहला रूल होता है, आपको सामने वाले को मारना नहीं होता, आपको उसकी स्किन के पास से हाथ लेके जाना होता है, रिएक्शन सामने वाला खुद लेता है। तो वो नहीं कर पा रहा था तो उसकी लात पड़ गई मेरी बैक पे। मैं आगे आ रहा था, उसको किक मारनी थी। रजत वडोदरा के सुबेक्षा अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्तों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है। ऐसे में रजत के लिए चलना फिरना तो क्या, बिस्तर से उठना तक मना है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बैक स्ट्रेट लेटा हुआ हूँ, इधर नहीं मुड़ सकता उधर नहीं मुड़ सकता, दर्द होता है बहुत बैक में। डॉक्टर बताए हैं कि वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो जॉइंट है उसमें क्रैक आ गया है, तो 3 हफ्ते का रेस्ट उन्होंने बोला है। जब सेट पर रजत टोकस के साथ ये हादसा हुआ तो रजत के माता पिता दिल्ली में अपने घर में थे और जब उन्हें अपने बेटे के साथ हुए इस हादसे की जानकारी मिली तो वो फौरन वडोदरा के लिए रवाना हो गए। मैं तो घर में था, मेरे को फोन आया था, पता चला कि ऐसे रजत को चोट लग गई, तो हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ एडमिट कराए। बुधवार को सास बहू साजिश के जरिए जब से हमने रजत टोकस की शूटिंग के दौरान घायल होने की खबर दी है तब से देश के कोने कोने से हमें फोन आ रहे हैं और हमारे ऑफिस की फोन की घंटियाँ लगातार बज रही हैं। रजत का हालचाल जानने वाले रजत के प्रशंसकों के ईमेल्स भी हमें लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में घायल रजत का अपने फैन से ये कहना है। मैसेज सिर्फ इतना है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सबका शेर हूँ, शेर कभी रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, छोटे मोटे घाव में ठीक हो जाएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द टीवी पे वापस एस आप सबका रजत टोकस, एक एक्शन हीरो, एक रोमांटिक हीरो, एक काफ़ी अच्छा एक्टर आने वाला हूँ बहुत जल्द, बस आप लोग मुझे मेरे लिए इसी तरह दुआएं देते रहें और मुझे प्यार करते रहें। वडोदरा से लॉरेंस परमार के साथ मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट।